मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक बहुत बड़ी घटना आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूं। शनिचरवार को सवेरे 11 बजे उपराज्यपाल जी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर दिल्ली के आला ऑफिसर्स को बुलाया गया। 11 बजे वो मीटिंग हुई। खैबर पास के अंदर धोबी घाट, किसान घाट, जितनी भी ये कॉलोनियां थी उनको तोड़ने की बात कही गई। और ये कहा गया 11 बजे से 2 बजे तक नोटिस लगाया। मंत्री जी, मैं आपका ध्यान देना चाहता है, 2 बजे उन्होंने नोटिस लगाया और ये कह दिया कि सोमवार सवेरे 5 बजे इन झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। वहां पे 3-4 हजार पुलिस वाले लिए 25 जेसीबी बुलडोजर वहां इकट्ठे किए गए। लोगों को ये इत्तला दी गई कि आप सवेरे 5 बजे आप अपने मकान खाली कर दें, आपके मकानों को तोड़ा जाएगा। जबकि वो लोग सन 1950 से पहले के बैठे हुए हैं भवन के, कोई नोटिस आज तक उनको नहीं मिला, कोई चीज नहीं हुई। एलजी ऐसे घटिया काम कर रहे हैं, लोगों को तंग करने की बात कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान इसलिए की ओर दिलवाना चाहता हूं कि ना यहाँ सीवर लाइन पड़ सकती है, यहाँ पानी की लाइन पड़ सकती है, चार चीज में बाधा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे हाउस की मार्फत यह है कि इस तरह की घटिया हरकत एलजी ना करे, कोई हम लोग हाउस में उनको पास कर। मैं कोर्ट में गए, हम लोग कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट लगाई और रात को 9 बजे सबको नोटिस किया गया, एलएनडीओ को भी और दिल्ली गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को जो उस मीटिंग में थे जिन्होंने ये पास किया था। 9 बजे रात को स्टे मिल गया और वो लोग रात की सांस लिए। सवेरे उनके पेपर होने हैं, 7 बजे बच्चों के पेपर होने हैं, 5 बजे उनके मकान तोड़े जाएंगे। ऐसा घटिया, ऐसा जुल्म हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के टाइम भी नहीं हुआ, जितना घटिया काम दिल्ली के उपराज्यपाल जी कर रहे हैं। मेरी आपसे बेनती है कि तमाम हाउस के जितने भी मेंबर हैं, किसी के साथ भी कुछ आपको पता भी नहीं होगा दिल्ली के उपराज्यपाल क्या कर रहे हैं। उनको दिल्ली का उपराज्यपाल चीफ सेंट्रल इंस्पेक्टर के बराबर है। ये जाके इलाके में घड़ी घड़ी घूमते हैं, कहाँ मकान तोड़ सकते हैं, कहाँ लोगों को परेशान कर सकते हैं, जहाँ दूसरी आप पार्टी को नुकसान होता हो वहाँ की झुग्गियाँ कैसे तोड़ सकते हैं, उनको कैसे फैसिलिटी से वंचित रखा जाएगा, ये काम दिल्ली के उपराज्यपाल जी कर रहे हैं। तो मेरी आपसे इस हाउस से बेनती है कि हम लोग सब मिलकर एक कोई ऐसी चीज लाएं जो दिल्ली के उपराज्यपाल, जिनका नाम उपराज्यपाल की जगह थे चीफ सेंट्रल इंस्पेक्टर होना चाहिए। जिस तरह एक सेंट्रल इंस्पेक्टर गली में घूमता है और अकेला ही घूमता है, उस तरह ये गलियों में घूम रहे हैं, किसी मेंबर को नहीं पता होता, साथ नहीं ले जाते किसी को, और वहां जाके ये देखते हैं कि कौन सी जगह इनको उठाया जाए तो आप पार्टी को नुकसान हो। मेरी आपसे निम्न निवेदन है कि इस तरह का अत्याचार जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के टाइम भी नहीं हुआ था, इस तरह के अत्याचार से हमें बचाएं। आप MLS के हर चीज के कस्टोडियन हैं, आप इंचार्ज हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं किस तरह की पूरी से पूरी ताकत से ऐसे LG के खिलाफ कोई ना कोई ममनुमना लाया जाए या कुछ चीज की जाए और उसके संबंधित जितने अधिकारी हैं उनको दोषी करार दिया जाए कि एकदम 1954 में बैठे हुए लोग, क्यों से बैठे हुए 1952 से बैठे हुए उन लोगों को एकदम उठाना, ये आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। मेरी सियासी लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा कि शनिचरवार को नोटिस हो, एतवार का टाइम दिया जाए और सवेरे 5 बजे उनको गिरा दिया जाए। ये तो धन्यवाद देता हूं मैं कोर्ट को, इस कोर्ट ने स्पेशल सुनाई कर अपने घर पे कोर्ट लगाई और 9 बजे रात को ये फैसला दे दिया और स्टे कर दिया। कितने लोगों को, पुराने बैठे हुए को आप नहीं उठा सकते। बल्कि एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो आदमी 12 साल किसी प्राइवेट धरती में बैठा हो वो उसका कोऑनर हो जाता है, और जो आदमी 23 साल से ऊपर किसी सरकारी लैंड पे बैठा हो वो उसका ओनर हो जाता है।
मेरे को समझ नहीं आती कौन सा इनके पास कानून है, ना ये सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, ना हाई कोर्ट को देखते हैं, ना लोगों की फैसिलिटी देते हैं। ऐसा है, ऐसा ज्ञात होता है कि गंजे को नाखून दे दो, वो अपनी टांट खुरकता रहेगा। इसी तरह का फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल कर रहे हैं। तो मैं तमाम हाउस से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे मिलकर ऐसा एक्शन लें और इसलिए कि ये एलजी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि दिल्ली का एलजी लोग गरीब लोगों के पास अत्याचार न करें। धन्यवाद।